Hi everyone, I hope you guys are fine and doing well. Today we have a very special guest with us who is going to join with us. So let's welcome Mr. Madhu. Hello. Hi Alisha, and hi everyone. Thank you Madhu for joining, and thank you for giving your precious time. It means a lot. Aapne opportunity diya and my audience is able to connect with you. But I hope ki jo mera audience hai, already aapki audience ho chuke hai, but still like it's really a great honor that you have joined out here. Thank you. No, you're welcome. You're doing great work, so that's why it's my pleasure to be with you. Thank you so much. So today, I would like to know about your experience. I've seen a lot of videos on YouTube pe, and it's very authentic. Even my jo mere nurses friends hai, and my relatives, they watch your videos bhi dekhte hai, and you have a very great presentations as well. And I hope like I can learn from you as well. Definitely. If you want any help regarding that, I will help you. Thank you so much. So, आज आप will you be able to share with the audience आपका nursing journey, आपने कब start किया था and आपका transition from India to the UK and आपका experience कैसा रहा? So, can we talk about this? Yeah, definitely. Yeah. So, I have done GNM. 2008 batch में मैंने GNM start किया और I have done my GNM from private college, which is like one of the best colleges in Maharashtra. दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट से मैंने GNM किया और उसके बाद यानी मैंने GNM 2012 में कंप्लीट किया और उसके बाद 2012 आई थिंक फेब में मेरा GNM कंप्लीट हुआ. अगस्त में मैंने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन लिया था बिकॉज मैं फोकस था बहुत कि मुझे नहीं पता था बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स और फॉर एब्रॉड के बारे में, बट मेरा जो रीज़न था नर्सिंग करने का वो यही था कि मुझे नर्सिंग करने के बाद अब्रॉड जाना है, बट हाउ टू गो टू अब्रॉड आई हैड नो क्लूज. सो फिर मेरे पास एक चीज मुझे पता थी कि अगर मैं BSc MSc करता हूँ तो आई कैन डू लाइक मैं टीचिंग में जा सकता हूँ और आई कैन हैव गुड करियर देयर एज वेल. सो हैविंग दैट इन माइंड आई स्टार्टेड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, बट सेप्टेम्बर में उस समय गवर्नमेंट जॉब्स निकली थी एंड आई अप्लाइड और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर हो गया एंड आई गॉट जॉब देयर. सो उस समय मुझे पोस्ट बेसिक छोड़ना पड़ा एंड आई हैड टू जॉइन दैट गवर्नमेंट जॉब. और उसके बाद जब गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, स्पेशली हमारे इंडियन और स्पेशली अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो गवर्नमेंट जॉब इज वेरी बिग थिंग. और गवर्नमेंट जॉब अगर वो भी आपके सिटी में आपको लगती है तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है, विच हैपन टू मी. सो फिर मैंने 2013 अप्रैल से मैंने गवर्नमेंट जॉब शुरू किया और 8 साल तक मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा. मैं भूल गया था कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड डूइंग नर्सिंग, आई फॉरगॉट दैट टोटली. क्योंकि आप जब यानी एक जगह पे सेटल होते रहते हो तो यू फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट थिंग, यू एंजॉय दैट पर्टिकुलर थिंग. बट उसी कारण से मैं काफी लेट यूके में मूव हुआ क्योंकि उस समय काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे भी नहीं थी कि कैसे अब्रॉड में होना है. स्पेशली अगर आप देखोगे तो केरला यानी स्पेशली साउथ इंडिया में ही इंफॉर्मेशन ज्यादा थी, अपने नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट से आप है वहां पे भी इंफॉर्मेशन नहीं थी. तो विच लाइक डिलेड माई प्रोसेस टू बिकम अ नर्स इन UK. और फिर यानी आई थिंक 2019 में मुझे पता चला वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु वॉज वर्किंग इन सेम हॉस्पिटल वेर आई वॉज वर्किंग, वहां से वो UK में हुआ. आई थिंक 19 या 18 में वो हुआ. तो उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, हम लोग भी अब्रॉड जा सकते हैं. उस समय आई टुक सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम. और उस समय जो UK NMC का प्रोसेस था, जैसा भी आप देख सकते हैं इट इज टोटली ऑनलाइन, लेकिन उसने जब प्रोसेस किया तो वो जो प्रोसेस था ऑफलाइन था. मतलब डॉक्यूमेंट्स वहां से आते थे, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स भेजना होता था, तो वो काफी लाइक हेक्टिक प्रोसेस थी. और फिर जब मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू किया, आई वॉज आस्किंग हिम कि कैसे प्रोसेस करना है, तो वो जो प्रोसेस बताता था वो प्रोसेस टोटली डिफरेंट थी जो मुझे करना था. तो मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें आई प्रोसेस करने में. तो मैंने यानी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी डू अवर फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन, UK NMC का जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो UK NMC की तरफ से मैसेज आता है 143 pounds पे करने के बाद कि एट दिस स्टेज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी. तो उस समय मुझे यानी ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर नर्सिंग काउंसिल, जो भी आपका नर्सिंग काउंसिल है उसको कॉन्टैक्ट करना है, वो पता नहीं था. आई वॉज वेटिंग फॉर
माई नर्सिंग काउंसिल टू रिप्लाई टू यूकेएनएमसी फॉर लाइक 24 डेज, क्योंकि वहां लिखा था आई थिंक 14 टू 24 डेज में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा. तो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट पीरियड टू पास, एंड जिस एजेंसी से मैं प्रोसेस कर रहा था तो वो भी बोले नहीं 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 आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, यू डोंट नीड टू वरी. तो फिर वहां से मुझे लगा कि नहीं, यानी इंफॉर्मेशन लैकिंग है यहाँ पे. तो वहां से मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू किया. यानी मैं जब यूके आया तब से मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं बना रहा, मैं जब इंडिया में था, आप मेरे अगर सबसे पुराने वीडियोस देखोगे तो मैं इंडिया में जब से था तब से ही ये वीडियोस बनाना शुरू किया, क्योंकि आई वॉज रिकॉर्डिंग माई जर्नी ऑन यूट्यूब कि कैसी कैसी आपको जर्नी स्टार्ट करना है, कैसा यूकेएनएमसी प्रोसेस स्टार्ट करना है, और वो सारी चीजें जो जो कंटेंट मिसिंग था यूट्यूब पे वो सारा कंटेंट मैंने डालना शुरू किया, जो कि आज भी बहुत कम लोग डालते हैं वो कंटेंट, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूकेएनएमसी की स्टेजेस कैसे आपको करना है, वो सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स मैंने सेव करके यानी यूट्यूब पे अपलोड किया था, विच लाइक हेल्प्ड लॉट्स ऑफ पीपल. आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव वॉच्ड माय दैट वीडियो. आई थिंक जो आपका सारे वीडियोस होता है वो बहुत ऑथेंटिक होता है एंड टू द पॉइंट एंड वेरी क्लियर. आपने जो बताया ये एनएमसी का ये पार्ट, मेरे तरफ से भी गलती हुआ था, इवन आई वाज वेटिंग एंड इसलिए जो छोटी इंफॉर्मेशन होते हैं अंडरनीथ ना, जो सारे यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं, राइट, बट आपने सारी इंफॉर्मेशन आपने इतना अवेलेबल कर दिया है टू द नर्सिंग पीपल आउट देयर, इट्स रियली अप्रिशिएटेबल. बताया इट्स रियली, तो वही है, वही रीजन था कि यानी जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि मैं फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप से यानी यूट्यूब पे सर्च करता था, इवन इट वाज नॉट अवेलेबल इन इंग्लिश. वो एक तो टैगलॉग में था, मतलब फिलिपिनो नर्सेस थे, या तो मलयालम में था, बिकॉज वी हैव लाइक केरला नर्सेस हु आर लाइक वर्किंग हियर इन यूके फॉर लॉन्ग टाइम, सो वो लोग अपने लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन डालते थे. तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें हिंदी स्पीकिंग नर्सेस के लिए इवोल्यूशन लाना है यहाँ पे अब्रॉड नर्सिंग के लिए. तो फिर मैं अपनी जर्नी रिकॉर्ड करते गया, यहाँ आने के बाद फिर पता चला कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दूसरे देशों में भी हैं अपने नर्सेस के लिए, तो उन देशों के बारे में भी, चाहे वो लग्जमबर्ग हो या स्विट्जरलैंड हो, सब देशों का इन्फॉर्मेशन निकाल के मैंने अपने चैनल पे सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बनाया है. और फ्रॉम बिगिनिंग लाइक मैं जब आई थिंक व्हेन आई वाज इन कॉलेज स्कूल दैट फ्रॉम दैट टाइम आई हैड लाइक फोटोग्राफी का बहुत शौक था. मैं YouTube चैनल मेरा नहीं था तब से ही मेरे पास यानी काफी हाई एंड कैमरास थे, तो आई वाज लाइक मेरे पास सब यानी इक्विपमेंट्स थे, बट आई वाज नॉट यूटिलाइजिंग दोज इक्विपमेंट्स. तो YouTube शुरू किया तो आप देख सकते हैं मेरे जो यानी चैनल में जो वीडियोस डालता हूँ उसकी क्वालिटीज देख सकते हैं, एडिटिंग स्टाइल्स और सारी चीजें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइक थोड़ा बहुत प्रोफेशनल लगता है, बिकॉज आई हैव हॉबी ऑफ क्रिएटिंग गुड वीडियोज, टेकिंग गुड फोटोग्राफ्स एंड एडिटिंग वीडियोज फोटोज, सो यू कैन इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम माई वीडियोज. सो मेरी जो हॉबीज है वो भी यूट्यूब में काम आ रही है, प्लस आई मिक्स माई हॉबीज विथ लाइक द कॉन्टेंट नीड, लाइक लोगों को जो कॉन्टेंट की नीड है उसके साथ मिक्स करके लोगों को हेल्प ही कर रहा हूँ मैं अभी तक. तो या दिस इज माई जर्नी. तो लाइक आपने बताया कि आपने लाइक नर्सिंग लाइक लॉन्ग टाइम अगो ज्वाइन किया था, सो एज फार एज आई नो लाइक इन लाइक आवर कंट्री एज वेल अभी भी एक स्टीरियोटाइप है कि नर्सिंग जो है ओनली फीमेल के लिए और मेल को नहीं करना चाहिए. सो आपने जब ज्वाइन किया जेएनएम नर्सिंग, तो आपका कैसा था सिचुएशंस, आपको सपोर्ट मिलते थे? लाइक मैं यानी मेरा जो बैकग्राउंड था, मेरी सिस्टर भी नर्स है और आई एम फ्रॉम क्रिश्चियन बैकग्राउंड. मेरा जो दोस्त है यानी मेरे पास्टर का जो बेटा है वो लाइक हम लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, बचपन से हम बड़े साथ में हुए. उसकी मम्मी भी नर्स थी, उसके जो यानी आंटी है जो यूएस में नर्स है और वो खुद भी नर्स है, उसका भाई भी यानी नर्स, यानी हम जो सब यानी नर्सिंग में ही थे हम लोग. तो मुझे पता था कि यानी हम मेल नर्स बन सकते हैं. और मेरे जो मैं नागपुर सिटी है उसके पास एक छोटा गांव है, वहां से यानी बिलोंग करता हूँ, तो मेरे वहां से मैं फर्स्ट नर्स था मुझे लगता है. अभी तो काफी सारे लोग नर्सिंग कर रहे हैं, मेल नर्स, मतलब नर्सेस तो बहुत थे, मेल नर्स मैं था. और काफी कम लोगों को मेल नर्सिंग के बारे में पता था. जब मैं अपने रिश्तेदारों या मेरे दोस्त जो मेरे साथ यानी मैं साइंस स्ट्रीम से था, तो मेरे जो दोस्त थे यानी आई थिंक 90% लोगों ने इंजीनियरिंग किया था, और जब मैं उनको मिलने उनके घर जाता था तो उनके पेरेंट्स पूछते थे कि तू क्या कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है, कंपाउंडर की ट्रेनिंग कर रहा है या डॉक्टर बन रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में नर्स है और इसकी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास नहीं है. तो दे वर आस्किंग क्वेश्चंस लाइक दिस. तो
मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था बराबर की, यानी एक तो मेरा यानी जो आदत है कि मैं डिबेट नहीं करता, यानी किसी के साथ मुंह नहीं लड़ाता। तो हाँ जैसा है, हाँ जैसा वो अगर कंपाउंडर बोलते तो कंपाउंडर, और नर्स यानी डॉक्टर बोलते डॉक्टर। लेकिन अगर मुझे अभी कोई बोलता है तो नाउ आई लाइक मैं अपने प्रोफेशन के लिए बात करता हूँ अभी, उस समय बट आई वॉज वेरी शाय एंड बहुत ये लाइक क्या बोलेगे उसको, इंट्रोवर्ट था, तो ज्यादा किसी को कुछ जवाब नहीं देता था। बट नाउ अगर कोई प्रोफेशन के बारे में बोलता है तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन गुड वे। सो हाँ, और जहाँ पे मैं नर्सिंग कर रहा था वहां पे यानी अराउंड 80 की बैच थी हमारी, 80 में से हम 6 लड़के थे। उसके बाद जब मैंने पीबीएससी में एडमिशन लिया था, 50 में सिर्फ मैं अकेला लड़का था, बाकी 49 लड़कियां थी। तो हाँ यानी, लेकिन मेरे जो भी बैचमेट्स थे, चाहे वो पीबीएससी में हो या जीएनएमए में हो, यानी वो बहुत सपोर्टिव थे। मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, जहाँ पे मैंने नर्सिंग किया वो लोग बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे मेरे टीचर्स। और यस आई हैड लाइक गुड, मैं हमेशा यानी अच्छे लोगों के साथ यानी मेरा लाइक इंटरेक्शन हुआ, तो यानी आई हैड गुड मेमोरीज। Really good because you are like an inspiration for all the male nurses. Because agar aap entire nursing ke liye bhi you are an inspiration, but you know when it comes for the male nurses, they do not have much of कर सके होता है ना कि देखे हाँ मुझे इनकी तरह बनना है। सो आई गेस कि जो आप कंटेंट बनाते हो यूट्यूब वीडियोस में एंड द पीपल इन इंडिया आर गेटिंग टू नो दैट अ मेल फिगर आल्सो हु इज अ नर्स इज डूइंग सो वेल है ना, इट गिव्स काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन एज वेल बिकॉज ऑल माय जो मेरा मेल फ्रेंड्स है हु आर नर्सेज एज वेल दे ऑल नो यू सो इट्स यू आर सो वोकल अबाउट द नर्सेज इन इंडिया तो It's a very great thing that you have been doing. And like जैसे कि आपने बताया कि आप तो long time से इधर पे आए हो और जब NMC का process entirely different था. So how was your experience when you came to the UK? Like आपको NHS की तरफ से कैसे support मिला? Well, सबसे पहले यानी जब मेरा process शुरू था तब यानी तब तक तो यानी जो मेरी agency वाले थे उनसे ही contact में था। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, सबसे फर्स्ट पर्सन से जो मैं मिला वो ब्रिटिश पर्सन थी यहाँ की, यानी मैं भी वेल्स में रहता था, उनको वेल्श बोलते हैं, तो वेल्श लेडी थी एंड शी वाज बैंडेड। और मैं जब आया यहाँ पे तो हमारे साथ 7 लोगों की बैच थी, उसमें से 6 फीमेल नर्सेस थे, मैं अकेला मेल नर्स था। तो जो मेरे फीमेल यानी कलीग्स थे उनका अलग से अकोमोडेशन था, मेरा अलग से अकोमोडेशन था। तो जो वो बैंडेड रिसोर्स मैनेजर थी उन्होंने मेरा खुद का, मेरे पास 2 बैग्स लेके आया था, एयर इंडिया की फ्लाइट थी तो 2 बैग्स अलाउ किए थे, तो एक बैग उसने खुद कैरी किया और दूसरा बैग मैं लेके आया। तो आई हैड सीन कि जब मैं वो फर्स्ट टाइम वो लेडीज से मिला तो मुझे लगा कि यानी होगी कोई नर्स वगैरह होगी या कोई हेल्प करने वाली होगी, बट आफ्टर लाइक इंटरेक्टिंग और काफी समय के बाद मैंने उसको पूछा कि आपका बैंड क्या है, तो उसने बताया कि आई एम बैंड 8A। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि भाई यानी ये लोग यानी इतने डाउन टू अर्थ है। मतलब मैं जहाँ पे काम करता था, मेरे यहाँ पे ANS करके असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट करके पोस्ट होती है, विच इज नॉट वेरी बिग पोस्ट, लाइक ऐसा यानी उन लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी पोस्ट है, बट लाइक जब उनको अगर हमने सिस्टर बोल दिए, लाइक हम सिस्टर बोल सकते हैं बिकॉज यू आर नर्स आफ्टर ऑल, इवन दो यू आर लाइक एक्टिंग एज अ ANS DNS या तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ नर्सिंग, बट आफ्टर ऑल यू आर अ नर्स, आई कैन कॉल यू सिस्टर नर्स। उसको यानी सिस्टर बोलने से उन लोगों को यानी बहुत ज्यादा बुरा फील होता था, उन लोग यानी डांट देते थे कि व्हाई यू आर कॉलिंग मी सिस्टर, कॉल मी मैम। बट मैंने यहाँ आके देखा कि दिस पीपल आर वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव, दे डू नॉट गेट ऑफेंडेड विथ लाइक इफ यू लाइक यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट एंड लाइक देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट एज वेल। सो यहाँ पे यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इफ यू आर ऑन वेरी बिग पोजिशन, दो यू आर लाइक इवन दो यू आर इन बिग पोजिशन यू ऑल आर सेम, इट्स नॉट लाइक दिस कि हमारे यहाँ जैसा होता है, हायरार्की जो सिस्टम है वो यहाँ पे नहीं है। वो मैंने बहुत अच्छा नोटिस किया। और रिगार्डिंग NHS में यानी जो ट्रांजिशन था वो ऐसा था कि यानी जैसे ही मैं यहाँ पे आया, तो जिस समय मैं आया उस समय लाइक आई केम हियर इन 2021, तो उस समय कोविड का ही सीजन था, तो 10 दिन मुझे क्वारंटीन रहना था, एक रूम उन्होंने जो दिए थे वहाँ क्वारंटीन रहना था। वहाँ पे भी यानी सारी ग्रोसरीज ला के वो लोग दे रहे थे, काफी यानी जो भी यानी हेल्प करने वाले हमारे जो हॉस्पिटल के लोग हैं वो सब ब्रिटिश थे, और मैं यानी कोई भी नया फूड ट्राई नहीं कर सकता, तो लाइक मुझे टेस्ट पसंद नहीं है नया फूड का, तो आई ट्राई टू ईट ओनली इंडियन फूड। तो मैं उनको बोलता था कि आई नीड राइस, आई नीड चपाती, आई नीड, सो वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके सब लेके आते थे, विच वॉज वेरी हेल्पफुल। रिसेंटली आई थिंक कल मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा था, बिकॉज
इन अवर हॉस्पिटल वी हैव रिक्रूटेड अराउंड 100 नर्सेस फ्रॉम इंडिया. सो उनके लिए हम एक ऐप बना रहे हैं. उसके ऐप के लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर रहा था, तो मैंने उनको बताया कल कि यानी अभी तो यानी जब से मैं आया तब से अराउंड 500 नर्सेस वी हैव रिक्रूटेड. तो वो डेफिनेटली सारे इंसिडेंट्स भूल जाते हैं. तो उनको कल मैंने याद दिलाया कि आई वॉज आस्किंग यू ऑलवेज टू ब्रिंग चपातीज एंड राइस एंड ऑल दिस थिंग्स. सो दे वर लाफिंग एंड दे आर वेरी सपोर्टिव. सिंस देन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विथ हर एज वेल. शी इज बैंडेड. But I have seen that even though I was very new, she has like same approach to me till now. Like बहुत अच्छा है इन लोगों का हमारे लिए, हमारे प्रति जो उनका व्यवहार है बहुत अच्छा है. Which like we all should learn from them. Like इन लोगों से हमने बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है. अगर हम ऐसा ही support हमारे nurses को जो back home हमारे students है, हमारे जो न्यू ग्रेजुएट्स है, उन लोगों को अगर ऐसा सपोर्ट देंगे तो कोई भी दूसरे प्रोफेशन के लोग हमारे प्रोफेशन के ऊपर यानी आंख उठा के देख नहीं सकते. तो ऐसा हमें भी अपना बिहेवियर बैक होम भी करना है. ये मैंने यहाँ पे सीखा कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव लोग हैं ये लोग. True, definitely true. So जैसे कि आपने बताया कि back home आपका already government job भी था. So like because in India like government job का बहुत बड़ा hype है, as we all know that, right? क्योंकि बहुत benefits भी मिलते हैं. So what made you like आप government से abroad आना, मतलब was it all your dream, या फिर आपको अगर आपका like जो differences आप देखोगे कि working government hospital in India and working out here, तो आपको थोड़ा सा किस में ज़्यादा satisfaction मिला है आपको? देखो मेरा नर्सिंग करने का जो उद्देश्य था वो था कि मुझे अब्रॉड जाना है. बट आफ्टर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब मैं भूल गया कि मुझे अब्रॉड जाना था. और उसके बाद भी यानी आपने देखे मैंने पीबीबीएससी भी करने की कोशिश किया क्योंकि आई वांटेड टू प्रोग्रेस इन माय फील्ड. तो मैंने देखा जब मुझे गवर्नमेंट जॉब लगा तो मैंने यहाँ पे पोस्ट बेसिक नर्सिंग यानी इन लाइक इन सर्विस एजुकेशन जो होता है उसके लिए अप्लाई किया. दो तीन बार मैंने सारी एंट्रेंस क्रैक किया फिर भी मुझे मेरे हॉस्पिटल ने और जो भी यानी डायरेक्टोरेट है उन लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिया. मैं एग्जाम पास करने के बाद भी मुझे कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फर्दर एजुकेशन की. और उसके अलावा अगर मुझे वहाँ पे अगर प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए आपको पता होगा गवर्नमेंट में आपको प्रमोशन चाहिए तो यू विल हैव टू वेट फॉर लाइक 20-15 ईयर्स, उससे ज्यादा का भी आपको वेट करना पड़ सकता है. तो मेरे यानी मुझे कहीं ना कहीं स्टक हुए समान लग रहा था वहाँ पे कि मैं कहीं मेरी जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है. आई वॉज गेटिंग वेरी गुड सैलरी और आप अपने शहर में रह रहे हो, आपका खुद का घर है तो आपको उतना खर्च नहीं करना है. बट मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि मैं 22 इयर्स का था उस समय मुझे गवर्नमेंट जॉब लग गई. और उस समय से यानी जाम हो गया दिमाग, कभी यानी कुछ पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ बस काम पे जाना है, घर आना है, बस यानी एंजॉय करना है, वही लाइफ थी. सो मैंने सोचा कि यानी वी हैव पोटेंशियल, वी शुड यूज दैट पोटेंशियल. सो आई हैव डिसाइडेड, आई स्पोक विथ माई फैमिली दैट आई वॉन्ट टू मूव फ्रॉम हियर, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड. तो मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी. मैंने आज तक जो भी डिसीजन लिया उसमें उनका हमेशा सपोर्ट रहा एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. और अभी यहाँ मूव होने के बाद भी अगर आपको पता हुआ है या नहीं, मुझे लाइक जब से मैंने अभी सितंबर में मुझे 3 साल हो जाएंगे यहाँ पे जॉब करते करते, लेकिन 3 साल के अंदर भी मुझे यानी 3 साल नहीं आप देखेंगे 1.5 साल में मुझे बैंड 6 पोस्ट मिल गया था यहाँ पे. और उसके बाद रिसेंटली मुझे एक स्पेशलिस्ट नर्स का पोस्ट भी मिला था और उसके बाद फिर से एक बैंड 6 पोस्ट मिला है. लाइक मुझे 3 अलग अलग प्रोग्रेशन 3 साल में देखने मिले. तो आई हैव सीन दैट हियर इफ यू हैव लाइक गट्स एंड इफ यू आर रियली कैपेबल देन हियर यू हैव वेरी गुड फ्यूचर. तो यहाँ पे प्रोग्रेशन भी आपका काफी अच्छा हो सकता है. तो दैट वॉज ऑल्सो अ रीजन बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रोग्रेस इन माई करियर एंड माई ड्रीम वॉज ऑल्सो लाइक नर्सिंग करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि मुझे अब्रॉड जाना है. वो भी ड्रीम फुलफिल हो गया और प्रोग्रेशन लाइफ में ये था वो भी हो गया. और होपफुली इन फ्यूचर और भी शायद से अच्छे प्रोग्रेशन हो सकते हैं. आई एम प्रेइंग फॉर दैट ओनली. व्हाट्स मेंट टू बी योर्स इट विल इवेंचुअली कम बैक टू यू राइट. बस वी नीड टू वर्क हार्ड. एंड आई हैव सीन कि आप तो वीडियोस होता है जैसे कि आपका तो YouTube में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी है एंड आई हैव सीन ऑल योर वीडियोस. इट्स वेरी क्लीन, वेरी प्रोफेशनली मेंटेन्ड है ना. तो आप लाइक अपार्ट फ्रॉम योर नर्सिंग बिकॉज यू आर अ फुल टाइम नर्स एज वेल एंड आप प्रोफेशनल यूट्यूबर भी हो, तो आप दोनों को कैसे बैलेंस कर लेते हो? थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है या फिर हाउ डू यू मेक टाइम फॉर योर पैशन एंड फॉर योर जॉब? तो आप और एक चीज मिस कर दिए, मैं क्लासेस भी लेता हूँ. मैंने देखा था वो सो आई थॉट दैट कि आपका जो क्लासेस है, मुझे लगा कि आपने किसी को हायर किया है. सो यू पर्सनली गिव देम क्लासेस? या मैं पर्सनली क्लासेस भी देता हूँ.
माय शेड्यूल स्टार्ट फ्रॉम लाइक 4:30 इन मॉर्निंग, लाइक सुबह 4:30 बजे से उठता हूँ, 5:30 बजे का क्लास होता है मेरा, और सो 5:30 to 6:30 आई टेक क्लासेस, और फिर मेरा शिफ्ट 8 to 6 मेरा शिफ्ट रहता है, और बिकॉज आई एम डेप्यूटी टीम लीड फॉर माई टीम, सो मेरे ऊपर यानी जो नॉर्मल बैंड 5 नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे कई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज आई हैव टू डील विथ पीपल, सो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो मैंने एक शेड्यूल बना के रखा हूँ कि यानी इतने टाइम पे ही सोना है, इतने टाइम पे उठना है, और यूट्यूब के लिए मैंने डेज बनाया है कि ये दिन अपने को रिसर्च करना है, ये दिन वीडियो शूट करना है, ये दिन वीडियो एडिट करना है, तो मैंने अपना ऐसा शेड्यूल बना के रखा है, तो उसी शेड्यूल के हिसाब से मैं चलता हूँ. My God, that's like so impressive, and it's like something मुझे out of the world लग रहा है, because like waking up at 4:30 AM classes lena and itna acha and your content are like really good, itna like highly updated hota and very well delivered. Because mera jo like even like I'm trying, I'm in the beginner stage, phir bhi mujhe problem ho jata hai kabhi kabhi duty ke baad thakne hota ki main chali so jaa, but then wow, you are like simultaneously aap like 3 things kar rahe ho aur aap itna acche se kar rahe ho. That's really good. Yeah. अगर मैं कोई दिन वीडियो शूट नहीं करता हूं, तो आई फील लाइक कुछ तो मिसिंग है, तो वो मुझे मोटिवेट करता है कि यानी वो बेचैनी जो होती है ना कि नहीं नहीं मुझे आज वो करना है, मतलब करना है, वो बेचैनी बहुत आती है मेरे अंदर अगर मैंने कुछ नहीं किया तो. दिस इज हाउ आई एम कंसिस्टेंट. On one of my videos, मैंने एक Instagram में डाला था, मैंने post में, and one of maybe आपका subscriber होंगे, उन्होंने mention किया था Bethel Academy करके, and I know it's something related to your academy. तो आप थोड़ा सा इनके बारे में in depth बताएंगे, explain करेंगे what it is and आप कैसा, मतलब आप कौन सा education serve करते हो? तो बेथल ओवरसीज में हम OET training देते हैं, plus CBT training हमने recently start किया है. The reason behind starting that is कि रिसेंटली हमने देखा है कि काफी सारे कोचिंग है जहाँ पे लोग बच्चे जा रहे हैं, काफी पैसा वेस्ट कर रहे हैं, और बहुत यानी बच्चों का पैसा वेस्ट हो रहा है एंड दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर नॉलेज. तो मैंने वो बच्चे मेरे पास भी आते थे तो बोलते थे कि वी आर नॉट हैविंग एनी प्रॉपर चैनल, लाइक प्रॉपर प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट अवर UKRN जर्नी. तो बिकॉज आई हैव डन IELTS, आपने भी IELTS किया है या OET किया है? IELTS किया है. तो IELTS में आपको पता होगा विच इज वेरी डिफिकल्ट, लाइक बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, और नर्सेस के लिए OET अगर आप देखोगे, इफ यू हैव डन IELTS एंड इफ यू विल ट्राई टू सॉल्व एनी OET क्वेश्चंस, यू विल सी दैट इट इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू IELTS. तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई शुड स्टार्ट OET कोचिंग, और आप अगर हमारे कोचिंग का जो बेथल ओवरसीज में हम जो कोचिंग देते हैं उसका अगर आप फी कंपेयर करोगे तो पूरे इंडिया में आपको उससे सस्ता कोचिंग कहीं पे भी नहीं मिलेगा. तो दैट वाज माय मोटो टू प्रोवाइड कोचिंग इन लाइक लेस अमाउंट, बेस्ट कोचिंग इन लाइक लेस लीस्ट अमाउंट, लाइक उससे सस्ता आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. और हम एट द लाइक 2 महीना हम ग्रुप क्लासेस देते हैं बच्चों को, और आखिरी का जो मंथ होता है उसमें हम 1-to-1 लिसनिंग और राइटिंग कराते हैं, क्योंकि सॉरी लिसनिंग स्पीकिंग और राइटिंग कराते हैं. लिसनिंग और रीडिंग यू कैन डू बाय योरसेल्फ, जब अगर आपको ट्रिक्स एंड टिप्स पता चल गई तो यू कैन सॉल्व लिसनिंग एंड रीडिंग, बट राइटिंग एंड स्पीकिंग के लिए यू शुड ऑलवेज हैव समवन हु विल इवैल्यूएट यू. एक कोई ना कोई, चाहे वो IELTS हो या OET हो, यू नीड समवन टू इवैल्यूएट योर राइटिंग एंड स्पीकिंग, बिकॉज इवैल्यूएशन के बगैर आप जान नहीं सकोगे कि आप अभी कौन से स्टेज पे हो. तो उसके लिए हमने 1-to-1 स्पीकिंग एंड राइटिंग एट द एंड ऑफ मंथ रखे है. उसके पहले हम ग्रुप क्लासेस देते हैं जिसमें आपको एक आइडिया आ जाता है कि आपको कैसे अप्रोच करना है. लिसनिंग रीडिंग के लिए भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं कि कैसे वो सॉल्व करना है. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये था कि हमारे जो नर्सेस होते हैं स्पेशली मिडिल क्लास से होते हैं, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड बिग इंस्टीट्यूट फीस. तो उसको भी ध्यान में रख के मैंने यानी जो फीस डिसाइड किया, मेरे भी टीचर्स लोग, मेरे स्टूडेंट्स इवन मुझे बोलते हैं कि सर हाउ यू आर मैनेजिंग इतने कम पैसों में इतना अच्छा कोचिंग आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो. तो उसका रीजन यह है कि मैं खुद पढ़ाता हूँ, जो कि मैं खुद की फीस नहीं लेता हूँ, और मेरे साथ में जो मेरे जो बाकी के टीचर्स हैं, आई पे देम वेरी वेल. अगर आप मेरे टीचर्स से भी बात करोगे तो they can tell you about how I pay them and everything. So until now I am like only few months back I have started these classes, and if you can see on my page like how many candidates are passing their like exam, so the results are very good. This is what like word of mouth, like main bahut zyada apne Bethel Overseas ke bare mein bahut zyada baat nahi karta hu, but लोग ही सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना है तो बेथल ओवरसीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं. और
यू मे बी अवर आपको पता है रिक्रूटमेंट यहाँ पे है नहीं अभी काफी दिनों से, लेकिन मेरे लास्ट बैच में जो मेरे 3-4 बच्चे पास हुए थे, सभी लोगों का मैंने इंटरव्यू कंडक्ट कराया था। जब वेल्स का रिक्रूटमेंट हुआ था तो मेरे सभी बच्चों का इंटरव्यू हमने कंडक्ट कराए थे, तो आई ट्राई टू हेल्प देम एज मच एज पॉसिबल। इसलिए यानी मैं काफी सारे ट्रस्ट लोगों से भी बात करता हूँ। I don't get any benefit from trust, क्योंकि आपको पता होगा डेवन ने आपसे कोलैब करने के पहले पूछा होगा कि आर यू चार्जिंग एनी फी टू एनी कैंडिडेट, राइट? दे आस्क यू, सो आई डोंट चार्ज एनी फी अपार्ट फ्रॉम माय ओईटी फी। ओईटी फी ही हम लेते हैं बिकॉज आई नीड टू पे टू माय टीचर्स, उसी के लिए मैं पैसा लेता हूँ क्योंकि मुझे अपने टीचर्स को पे करना है। उसके अलावा हमारी जो पूरी प्रोसेस है यूकेआर एन जर्नी, हम पूरा फ्री में कराते हैं, रिक्रूटमेंट सारी चीजें फ्री में कराते हैं। So this is our platform, how we serve our nurses. That's like really wonderful. Like aapka jo thought process, everything, it's all about helping people. And I think that's how it's getting reflected, because you are always loved. Bina aapka, like I have consistently checked your post as well. So aapko bahut sara pyar milta hai. You're like highly appreciated, you know. And apart from that, जब आपका जर्नी लाइक आपने स्टार्ट किया इंडिया से यूके, वाज देयर एनी इंसिडेंट जहां पे आपको थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस फील हुआ, एनी ऑफ हैव यू एनकाउंटर्ड एनी बैड एक्सपीरियंस इन द यूके एनएचएस सो फार? मुझे यहां पे यानी मेरे ट्रस्ट में तो अभी तक मुझे कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं आया, और चाहे वो मैनेजर हो, मेरे मैनेजर भी इंडियन यानी थे, अभी शी हैज गॉट प्रमोशन अगेन, सो नाउ शी अदर आई हैव गॉट ब्रिटिश मैनेजर, शी इज आल्सो वेरी हेल्पफुल, और मेरे सारे जो कलीग्स हैं जहाँ जो मेरे साथ काम करते हैं वेरी हेल्पफुल। मुझे अभी तक यानी कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया जो मैं शेयर करूँ कि यानी बुरा एक्सपीरियंस, बट वही है, इंडियन लोग ही बुरा एक्सपीरियंस देते हैं यहाँ पे अपने, यानी इन लोगों से तो अभी तक कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं मिला मुझे। So far, so like, and I can see like आपका बहुत जल्दी आपका पोस्ट भी इंक्रीज हुआ है, and you are doing well in your life as well. So आपको कहीं पे have you ever face any kind of professional conflicts, you know, when it comes from the people jo aapke life se insecure hai? So how do you deal with, definitely aapke life mein bhi bahut sare log honge who might be quite insecure about your positions and aapne jo achieve kiya hai, and somewhere thoda sa hate and negativity project karte honge aapke life mein, so how do you deal with everything? मैं यानी दुश्मन नहीं है अपने कोई भी, यानी सबसे मैं दोस्ती बना के रखने की कोशिश करता हूँ। और हेट बोले तो यानी वर्क प्लेस में भी आपको देखने मिलेगा कि आपके साथ में यानी एक ही पोजीशन पे काफी सारे लोग होंगे, और जो प्रोग्रेस होगा उसके अगेंस्ट में लोग जाने की कोशिश करते हैं। तो आई ट्राई टू अवॉइड दिस पीपल, और आई ट्राई टू लाइक मेक देम फील गुड, लाइक अगर मैं डेफिनेटली वो आपके साथ पहले काम करते थे, नाउ यू आर देयर बॉस, सो आपको काफी अच्छे से उनके सामने पेश आना होता है, उनको भी काफी अच्छे से ट्रीट करना होता है, तो आई ट्राई टू बी लाइक एज काइंड एज पॉसिबल विद देम। सो एनी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू ऑल द नर्सेस वाचिंग आवर वीडियो राइट नाउ? मैसेज यही रहेगा कि यानी जैसा अगर आप पता नहीं अगर ये पहले वीडियो जाता है या आप हमने इसके पहले एक वीडियो शूट किया है वो पहले जाता है, तो यही मैसेज रहेगा कि स्ट्रगल्स सबको रहता है, सबके लाइफ में स्ट्रगल्स रहते हैं, चाहे वो बैक होम हो या यहाँ पे हो, आपको एक फेज आएगा जहाँ पे स्ट्रगल्स के थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड द लाइफ विल बी बेटर, आपको काफी अच्छी लाइफ मिलेगी। अगर एट द मोमेंट काफी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं रिक्रूटमेंट का कि उन्होंने एग्जाम्स पास की है, और मैं काफी सारे ट्रस्ट को इसलिए भी अप्रोच करता हूँ कि मेरे बोलने पे भी काफी सारे लोगों ने, चाहे मेरे साथ वो लोगों ने ओईटी किया हो या ना किया हो, बट मैंने उन लोगों को गाइड किया कि मैंने रास्ता दिखाया, तो मैं उनको आखिरी तक साथ में लेके जाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं उन अलग अलग ट्रस्ट को अप्रोच करता हूँ, अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेहनत की है तो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प मिलेगी, चाहे मेरे द्वारा हो या किसी और के द्वारा हो। और इफ यू आर स्ट्रगलिंग नाउ फॉर जॉब्स, यू डोंट नीड टू लाइक वरी मोर अबाउट दैट थिंग, बिकॉज इट इज टेम्पररी पॉज, वो जल्द ही खत्म हो जाएगा। और यूके आना चाहते हैं उन लोगों को मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप प्रॉपर चैनल यूज करके आओ, प्रॉपर प्लेटफॉर्म से आओ, क्योंकि आज जब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया था वहाँ पे मैंने देखा कि एक पंजाब से एक फीमेल नर्स थी, उन्होंने बताया कि उन्होंने आईएलटीएस पास कर दिया, सीबीटी पास कर दिया, और दिल्ली में एक एजेंसी के साथ उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, और उस एजेंसी ने उनको 9 लाख रुपीज मांगा कि अगर आप 9 लाख रुपीज दोगे तो हम आपको यूके के कोई एनएचएस हॉस्पिटल से आपका रिक्रूटमेंट करा देंगे, बट अगर आपको कोई भी
यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर आने की पैसा मांगता है, तो आपको बिल्कुल भी उस एजेंसी पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि यूके में आप जब रजिस्टर्ड नर्स बन के आते हो तो आपको किसी भी एजेंसी को पैसा देना नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एजेंसी के थ्रू आते हो तो एजेंसी को हॉस्पिटल की तरफ से पैसा मिलता है, तो आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। और आपको कुछ भी हेल्प अगर लगती है यूके रजिस्टर्ड नर्स बनकर पैसा, तो आप अरिशा का चैनल देख सकते हैं, आप मेरा चैनल देख सकते हैं, उसमें हमने काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि सबको पता होना चाहिए। और उसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप दोनों को मैसेज कर सकते हो, मुझे मैसेज करेंगे तो आपको शायद से बहुत ज्यादा लेट रिप्लाई आ सकता है, लेकिन आप अरिशा से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, होपफुली शी विल बी एबल टू मैसेज यू एज अर्ली एज पॉसिबल, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज शी इज ऑल्सो बिजी, शी इज ऑल्सो हैविंग हर लाइफ एंड हर जॉब एंड एवरीथिंग फैमिली। सो या आपको यानी तभी मैसेज कीजिए कि कीजिए जब आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि यू नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर हेल्प, लाइक आप बहुत कंफ्यूज हो उस समय डेफिनेटली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Thank you so much, Madhu, for giving such an important message. And I hope all those who are watching this video, ye video aapke liye bahut insightful raha ho, because we have an honest experience from Mr. Madhu, jinke video hum hamesha dekh ke aaye hain, and bahut sare log hain jo unke video ko through hi sare processing bhi follow kar rahe hain. And so yes guys, I hope you guys are fine, and don't forget to subscribe to both of our channels and just keep supporting us as well. And yes, we both love you all. Thank you so much. Thank you, Madhu. Thank you, Alisha.